jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अब मुंबई में आप आधी रात को भी किराने का सामान खरीद पाएंगे और अपने मनपसंद रेस्तरां में खाना खा सकेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में दुकानों और मॉल्स को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी है। सरकार ने रात में शॉप खोलने का फैसला भले ही आज लिया हो, लेकिन मुंबई में एक ऐसा मार्केट पिछले कई दशकों से लगता आ रहा है जो तड़के 4 बजे लगता है और सुबह 8 बजे तक बंद हो जाता है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े चोर बाजार के रूप में फेमस कमाठीपुरा इलाके के डेढ़ गली में लगने वाले सीक्रेट मार्केट की। राज्य सरकार ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र में कई तरह के शॉप्स एंड रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स को 247 खुले रखने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इसमें वाइन शॉप और बार को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, जो अब निश्चिंत होकर रात में भी शॉपिंग के लिए बाहर निकल सकेंगे। डैश होटल, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, सैलून और ऐसी कई सारी सर्विसेज ग्राहकों के लिए रात भर खुली रहेंगी। वहीं साड़ियों, कपड़ों, जूते चप्पल जैसी कई तरह की अलग अलग दुकानों और बाजारों से भी रात भर शॉपिंग की जा सकेगी। ये मार्केट मुंबई के कमाठीपुरा इलाके के डेढ़ गली में लगता है। तड़के 4 बजे शुरू होने वाला ये मार्केट सुबह 8 बजे बंद हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मार्केट की शुरुआत 1950 में हुई थी। शुरुआती दौर में मार्केट सिर्फ शुक्रवार के दिन लगा करता था, लेकिन अब मार्केट शुक्रवार और गुरुवार को लगता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के आसपास की छोटी फैक्ट्री से थोक में सामान आता है, इसे यहाँ कम दाम में हासिल किया जा सकता है। कुछ ब्रांडेड कंपनी से डिफेक्टिव सामान व्यापारी खरीदते हैं, जिसे रिपेयर कर उन्हें आधी कीमत में बेचा जाता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नाइका एयर मैक्स 2014 स्पोर्ट्स रनिंग शू की कीमत जहां मार्केट में 8000 रुपए है, वहीं डेढ़ गली में यह करीब 1500 रुपए में मिल जाता है। जबकि कैट कंपनी का लेदर बूट, जिसकी असली कीमत 8000 रुपए है, वे भी यहां करीब 800 रुपए में खरीदा जा सकता है। एक समय इस मार्केट में केवल चोरी का सामान बिकता था, लेकिन वक्त के साथ ये ट्रेंड बदला है। अब यहाँ कई छोटी कंपनी जो और मेड इन चाइना सामान भी कम कीमतों में उपलब्ध हैं। अन्य सामानों की तुलना में यहाँ जूतों का मार्केट काफी बड़ा है। मार्केट में सैकड़ों की तादाद में व्यापारी सामान बेचने आते हैं। माना जाता है कि यहाँ एक दिन में 15 से 20 करोड़ रुपए तक का बिजनेस होता है। छोटे शहरों के बिजनेसमैन यहाँ से बड़े पैमाने पर कम कीमत में सामान खरीदने आते हैं।